नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब दोस्तों? लगभग पिछले वीक से हमारे काफी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स शत्रु नाश और वशीकरण के उपाय मांग रहे हैं कि मैडम आप वो उपाय बताएं जो चंद्र ग्रहण में हम करें और हमारा काम सिद्ध हो जाए। ढेरों उपाय मैं अपने चैनलों में बता रही हूँ, अनोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया चैनल और वीना भदौरिया चैनल, दोनों में मैंने काफी शत्रुनाश के वशीकरण के काफी वीडियोस अपलोड कर दिए। जरूरत लगती है आप दोनों चैनलों पर जाएं और उन वीडियोस को सर्च करें, देखें कौन कौन सी वीडियो है, जो भी आप उपाय कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता हो उसे आप पहले करें, है ना। तो ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय है शत्रुनाश का। वैसे तो ये उपाय दोस्तों यदि आप हस्त नक्षत्र में करते हैं, जब भी हस्त नक्षत्र आए, पहले जब मैंने इस उपाय को इंट्रोड्यूस किया था काफी लंबे समय पहले, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हस्त नक्षत्र आए हमें कैसे पता चले। दोस्तों आप न्यूज़पेपर में देखें, वैसे जो लोग पंचांग में देखते दिखवाते उन्हें तो तुरंत पता चलता है, लेकिन जिन लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है, आप गूगल पर एवरीडे पंचांग आता है आप उसमें देख लें, आज कौन सा नक्षत्र है आपको पता चल जाएगा। न्यूज़पेपर जो आते हैं, तमाम न्यूज़पेपर्स में रोज का पंचांग आता है, आप उस पंचांग में देख लें कि आज कौन सा नक्षत्र है। तो यदि आप इस चंद्र ग्रहण को, इस उपाय को कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। 16 मई सोमवार चंद्र बहुत बेहतर है। नहीं कर पाते हैं तो जब भी हस्त नक्षत्र आए तब आप इसको कर लें, ठीक है। इसके सिवा जब भी, जो भी दिन आएगा, जब ये करने के लायक, मतलब जब भी जो समय ऐसा होगा जब ये मंत्र या ये क्रिया आपकी सिद्ध हो सकेगी, मैं आपको जरूर बताती रहूंगी। तो आपको क्या करना है, वैसे दोस्तों जो चंद्र ग्रहण है वो सुबह 8:59 से 10:23 तक रहने वाला है, तो ये उपाय आपको इसी समय करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेंधा नमक ले लेना है। सेंधा नमक बड़ा टुकड़ा आप ले लें सेंधा नमक, आप उसे लेकर के ही आए चंद्र ग्रहण के समय, जब चंद्र ग्रहण चल रहे हैं आप उसी समय इसको ले आए, ठीक है, पहले या बाद में ना लाए, उसी समय आपको एक क्रिया करके रख लेना। वैसे आपको उपाय बताओ उसके पहले दोस्तों आप सभी को अलर्ट कर दूं, कभी कभार ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत नेगेटिव चीजें सुन रहे होते हैं तो हम उसके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। आज के जमाने में पर निंदा करने वाले लोग बहुत पड़े हैं, तो निंदा सुन सुन करके हम कितने कई लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। तो यदि आप ऐसी कोई दुश्मनी पाल रहे हैं तो ना करें। यदि आपका कहीं छोटा मोटा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है तो आप उसको अपना दुश्मन समझ करके ये क्रिया ना करें। कितनी बार मन भेद हो जाता है, कितनी बार मत भेद हो जाता है, मन नहीं मिलते हैं, वो व्यक्ति मेरे कहे पर नहीं है, आप ऐसा उपाय करके उसका नाश करने जाएंगे, पाप में पड़ेंगे। मत भेद होना, हर व्यक्ति का अपना मत होता है, उसके विचार आपके विचार से नहीं मिल रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं नहीं सोसाइटी के अंदर आज 1000 इंसान इकट्ठा हो रहे हैं, आप भी यहाँ पर इकट्ठा हो, आपका मत उस चीज में एग्री नहीं है, नहीं मेरे पास नहीं है समय और मैं ऐसे फंक्शन में नहीं जाता। अब कितने जो इगोइस्ट इंसान होते हैं उसको बुरा लग जाता है और ईगो उसका धीरे 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 बढ़ने लग जाता है और सामने वाला व्यक्ति कितना भी सही हो लेकिन वो उसका दुश्मन बन जाता है। अब ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेकर के आप किसी का नाश ना करें। वैसे भी दोस्तों शत्रुनाश, शत्रु के लिए आप कोई भी उपाय करते हैं, सबसे पहले आप उस दिशा में आगे बढ़े जहां समझौता संभव है, जहां आप एक बार कोशिश करें, आपको लगता है कि नहीं इस शत्रु को मैं जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले ही एक सब्सक्राइबर का फोन आया था, मैडम ऐसा उपाय बताएं कि शत्रु बस मर जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये शत्रु को मैं अगर जीवित मेरे सामने देखूंगा तो मैं इसको मार ही दूंगा, आप उस जगह को छोड़ दें, उसको फल देने वाला मालिक बहुत बड़ा बैठा है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन में आप फंसे हैं कि कोई उपाय ही नहीं बचा है और शत्रु अपनी पराकाष्ठा पर दिखा रहा है अपनी नीचता, तब आप इस उपाय को करें।
ठीक है, चंद्र ग्रहण के समय, रिपीट कर दूं, 8:59 से 10:23 सुबह, इन बिटवीन पीरियड आप सेंधानीमक का एक टुकड़ा ले आए, ठीक है। उस टुकड़े को आप चक्कू से या किसी भी चीज से उसको कट करते हुए उसकी एक मूर्ति बनाएं। मूर्ति आपको बनानी है अपने शत्रु की, नेचुरली शत्रु जैसा है वैसी तो मूर्ति आप नहीं बना पाएंगे, आपको शिल्पकार तो है नहीं, आपको तो सिर्फ ये सोच लेना है कि ये मूर्ति मेरे शत्रु की है। उस मूर्ति पर पेट की दिशा में आप शत्रु का नाम उसकी माता के नाम के साथ लिख दें, माता का नाम पता ना हो तो सिर्फ शत्रु का लिख दें। वैसे जब मैं आपको उपाय बताती हूँ, जो मैं आपको पहला ऑप्शन देती हूँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो मैं सेकंड ऑप्शन देती हूँ कि ठीक है नहीं पता है तो आप ऐसे कर लें, लेकिन ये करने से उपाय की मजबूताई थोड़ी कम हो जाती है, मैं आपको बता दूंगी, खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाती है। शत्रु का नाम लिख दें, ब्लू पेन से लिख दें, ब्लैक पेन से लिख दें, काजल से लिख दें, ठीक है, रेड पेन से लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दें। उसके बाद में आपको उसको चंद्र ग्रहण में ही निलाना है, उस मूर्ति को आप निलाएं, नल के नीचे लगा दें और निलाएं। निलाते समय आपको कंटिन्यू ये सोचना है कि ये व्यक्ति खत्म हो रहा है अब धीरे धीरे। उसके बाद उस नमक के टुकड़े को आप सूखने के लिए रख दें, दूसरे दिन फिर उसे निलाएं। एवरी डे आप इस क्रिया को करना शुरू करें। दोस्तों जैसे जैसे ये मूर्ति घुलती रहेगी आपका शत्रु भी वैसे घुल घुल कर गल गल कर खत्म होता रहेगा। विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखें, तब आप इस उपाय को करें। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज मूर्ति निराई, बाहर जाकर के देख रहे हैं कि शत्रु घुल गया कि नहीं घुल गया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे वो खत्म होगा। आप क्रिया कर रहे हैं उसका रिजल्ट वहां आना ही आना है, झाका झाकी ना करें, खुद के कर्मों पर अविश्वास ना रखें, कोई भी कर्म करे विश्वास से करे, थोड़ा पेशेंस रखें। कहा जाता है ना श्रद्धा और सबूरी, ये दो वो चीजें हैं जो इंसान को अपने मकसद तक पहुंचा देती है। दो चीजों को हमेशा अपने साथ में रखें और करके देखें। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। जय श्री।